जय हिंद साथियों, फरवरी 2022 को अरुणाचल प्रदेश के बर्फीली पहाड़ी क्षेत्र में देश की रक्षा करते हुए अपना बलिदान देने वाले काठुआ जिले के अरुण काटल का पार्थिव शरीर 6 दिन बाद शनिवार को जम्मू कश्मीर के लखनपुर स्थित उनके गांव जांडोर पहुंचा तो अंतिम दर्शनों के लिए स्थानीय लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। इससे पहले पठानकोट से फूलों से सजे सेना का एक वाहन में बलिदानी का पार्थिव शरीर लखनपुर पहुंचा तो पूरा क्षेत्र बलिदानी अरुण काटल अमर रहे जब तक सूरज चांद रहेंगे अरुण तेरा नाम रहेगा के नारों से गूंज उठा। लखनपुर में मार्ग के दोनों ओर खड़े स्थानीय लोगों व स्कूली बच्चों ने हाथों में तिरंगा लिए बलिदानी अरुण काटल को सैल्यूट किया। उनके पार्थिव शरीर पर पुष्प वर्षा कर अमर रहे के नारे लगाए। बलिदानी अरुण काटल जैक राइफल की 19वीं बटालियन में तैनात थे। पूरे सैन्य सम्मान के साथ बलिदानी का दाह संस्कार कर दिया गया। बलिदानी के गांव के प्रवेश द्वार से लेकर घर तक माहौल पूरी तरह से गमगीन और सन्नाटा पसरा हुआ था। पूरा गांव गलियां व चौराहे पर अपनी धरती के लाल के पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शनों के लिए जनसैलाब उमड़ा था। जैसे ही अरुण काटल के घर सेना के जवान तिरंगे में लिपटे पार्थिव शरीर को लेकर पहुंचे तो स्वजनों की चीख निकल गई। बहन सालू और भाई अमर का बलिदानी के पार्थिव शरीर के पास बिलाप करते हुए रो रो कर बुरा हाल था। माँ तो बेसुध हालत में बिलाप कर रही थी, वहीं पत्नी सुनीता गुमसुम थी जो शनिवार सुबह तक उसकी सही सलामती होने की दुआ कर रही थी। 6 दिन से माँ व पत्नी सुनीता को पिता प्रभान सिहा ने किसी तरह शहादत की सूचना से बेखबर रखा था, लेकिन सुबह जैसे ही सेना ने उनके घर आकर माँ और पत्नी सहित सभी को अरुण के बलिदान होने की सूचना दी तो घर में कोहराम मच गया। अभी 3 महीने पहले ही जिस बेटे की शादी की खुशियां रंग में घर रंगा था, अभी तो खुशियों के रंग फीके नहीं पड़े थे कि अचानक बलिदान से मातम का माहौल बन गया। अरुण काटल के पिता को लापता होने के 3rd दिन ही बेटे के बलिदान होने की खबर मिल गई थी, लेकिन 3 दिन तक अरुण की पत्नी और मां को इस खबर से बेखबर रखा। पिछले साल 8 अक्टूबर को अरुण काटल की शादी सुनीता के साथ हुई थी। सुनीता के साथ मात्र 15 दिन पति के रूप में अरुण साथ रहे। इसके बाद उसने अरुणाचल प्रदेश में ड्यूटी ज्वाइन कर ली थी। वर्ष 2015 में सेना में भर्ती हुए अरुण काटल का सेना में सफर ज्यादा लंबा नहीं रहा और छोटी सी उम्र में वह देश के लिए शहीद हो गए। शहीद अरुण काटल के सम्मान एवं शोक स्वरूप लखनपुर बस अड्डा बंद रहा। लोगों ने नम आंखों के बीच वीर बलिदानी अरुण काटल को अंतिम विदाई दी। इस मौके पर कई गणमान्य लोगों ने पुष्प चक्र चढ़ाकर वीर जवान को नम आंखों से अंतिम विदाई दी। तो दोस्तों, वीर बलिदानी अरुण काटल जी का ये बलिदान ये देश कभी नहीं भूल सकता। जब तक सूरज चांद रहेंगे तब तक वीर बलिदानी आपका नाम रहेगा। सैनिक की मौत पर परिवार को दुख कम और गर्व ज्यादा होता है। ऐसे सपूतों को जन्म देकर माँ का कोख भी धन्य हो जाता है, जिसकी वजह से सारा जहां चैन से सोता है। आओ कसम खाएं उन वीरों की, उन बलिदानियों की, कि हम हर पल एक सच्चे भारतीय बनकर अपना फर्ज निभाएंगे। जरूरत पड़ी तो लहू का एक एक कतरा देकर इस धरती माँ का कर चुकाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अनदेखा ना करें। देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले उन वीर बलिदानियों के लिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।